नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था। तब सरकार में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और कांग्रेस थे, लेकिन अब इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। EWS का आरक्षण इससे अलग है, यानी बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया था। 9 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। इसके बाद OBC, EBC, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65% कर दिया गया था। इसके बाद इस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। इसके बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान 11 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन अदालत ने तब फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बताते हैं आरक्षण की शुरुआत कब हुई थी। दरअसल आजादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों यानी BC के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी यानी नौकरी देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। ये भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। सवाल उठा कि आरक्षण कैसे मिले। के लिए पिछड़े वर्गों को 3 कैटेगरी, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में बांटा गया। केंद्र द्वारा अनुसूचित जाति SC को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 27% आरक्षण दिया गया, यानी कुल 49.5% आरक्षण दिया गया। बाकी 50.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया, जो कि SC ST OBC के लिए भी खुला है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।